मंजुबाला यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज को। बच्चों, आगे थर्मोडायनेमिक्स में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैक्सिमम वर्क एंड रिवर्सिबिलिटी, यानी कि अधिकतम कार्य तथा उत्क्रमणीयता। हमने पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि उत्क्रमणीयता क्या होती है और इरिवर्सिबिलिटी अनुत्क्रमणीयता क्या होती है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या होता है, जिसमें कि जब अंदर हमने एक मोल गैस ली है, प्रेशरलेस पिस्टन लिया है, और हम क्या कर रहे हैं, जो बाहर का प्रेशर पी था उसको अगर हम थोड़ी सी मात्रा में कम कर दें, डीपी मात्रा में कम कर दें, इनफाइनाइटेसिमल मात्रा में कम कर दें, तो हमारा जो आयतन में परिवर्तन आएगा वो डी भी आएगा। तो इसको हमने इस तरह से समझा सकते हैं कि भाई हमने बाहर से जो प्रेशर डाला हुआ है या फोर्स डाला हुआ है वो 2 किलो डाला हुआ है, यानी कि अंदर भी 2 kg आपका फोर्स है, तो बैलेंस है, दोनों अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बैलेंस है। पर अगर हम अब इसमें से 100-100 हमने वजन रख रखे हैं 2 किलो के, पर हमने एक बड़ा वजन नहीं रख रखा, हमने 100-100 ग्राम के छोटे वजन रख रखे हैं, तो उसमें बच्चों जो चेंज आएगा आयतन में वो भी इनफाइनाइटेसिमल आएगा, छोटा चेंज आएगा। और इरिवर्सिबल में हमने क्या किया, वहाँ पर हमने जो 2 किलो का वजन हमने पूरा रखा हुआ था उसमें से फिर एकदम से हमने सपोज 1 किलो का वजन उसमें से हटा दिया है ना, तो एकदम से पिस्टन हमारी क्या होगी, अंदर गैस जो है वो एक्सपैंड होगी, प्रसार होगा तंत्र का, और वो जो है पिस्टन को ऊपर शिफ्ट करेगी और हमारा जो आयतन में परिवर्तन होगा वो भी अधिक होगा। तो ये हमारे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, जिसमें कि हम जो चेंज है वो कैसे करते हैं, धीरे धीरे प्रेशर का जो अंतर है वो धीरे धीरे कम करते हैं, और इरिवर्सिबल में, अनुक्रमणीय में, हम जो प्रेशर में परिवर्तन करते हैं वो तेजी से करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पी माइनस डी पी लिखा है और ये पी माइनस डेल पी लिखा है। अब बच्चों हमको कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम वर्क कब हो सकता है, अधिकतम कार्य कब किया जा सकता है। तो वो क्या है आपका, हमने पहले जब हमारा कॉन्स्टेंट प्रेशर था उस टाइम जो हमारी वर्क की इक्वेशन आई थी वो क्या थी, माइनस पी वी पी डी वी वी वन बाय वी टू, और इसका इंटीग्रल समाकलन इसका। अब बच्चों यहाँ पर जो है प्रेशर में अब अंतर आ गया, अब हमारा स्थिर दाब नहीं है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर नहीं है, अब हमारे प्रेशर में जो है डिफरेंस आ रहा है, इसमें हम प्रेशर में कम डिफरेंस आ रहा है और इसमें प्रेशर में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम पी को कॉन्स्टेंट नहीं मानकर उसकी जगह हम जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, उसके हिसाब से पी वी पी क्या हो जाएगा, एन आर टी बटा वी, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी डब्ल्यू की माइनस एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी, और इसका समाकलन वी वन बाय वी टू। पहले जो आयतन था जब दोनों दाब स्थिर थे तो वी वन था, और जब दाबों में हमने कमी कर दी बाहरी दाब में तो जो आयतन में परिवर्तन हुआ वो वी टू हो गया। अब आपको पता है एन जो कि आपकी एन आर टी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, आर जो है आपका गैस कॉन्स्टेंट है, और टी जो है वो टेम्परेचर है, तो ये तीनों चीज़ हमारी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब हम इनको बाहर ले सकते हैं, उनका समाकलन नहीं होता है, और हमारी इक्वेशन आ जाती है डी वी बटा वी समाकलन वी वन लिमिट वी टू। तो जब बच्चों इसको अगर अपन हमारा वन बाय वी जो है वो क्या होता है, एल एन के बराबर होता है इंटीग्रल इसका, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एल एन वी टू बाय वी वन। पहले क्या बनेगी, एल एन वी बनेगी, और वी को फिर हम फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट जब पुट करेंगे तो वी टू माइनस वी वन आ जाएगा, और वी टू माइनस वी वन को हम एल एन वी टू बाय वी वन लिख सकते हैं। तो हमारी डब्ल्यू की इक्वेशन क्या हो गई, माइनस 2.303 माइनस 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ वी टू बाय वी वन। जब हम एल एन को एल ओ जी लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हम 2.303 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन किस केस में आ गई, रिवर्सिबल केस में हमारी, और इरिवर्सिबल दोनों में ही हमारी ये इक्वेशन हमको मिलेगी। अब अगर हम एक आदर्श गैस के लिए मान रहे हैं तो हमें पता है पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, यानी कि पी वन बाय पी टू इज इक्वल टू वी टू बाय वी वन। तो यहाँ पर हमारा जो वी टू बाय वी वन आया था इसकी जगह हम पी व
वन बाय पी टू कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये जो केस है ये हम रिवर्सिबल के लिए बेसिकली ले रहे हैं, क्योंकि हमने जो परिवर्तन आयतन में है वो हमारा कम परिवर्तन है, और इसके लिए जो ये W निकलेगा ये W मैक्सिमा होगा। तो ये जो हमारा W मैक्सिमा है वो जब उत्क्रमणीय हमारा सिस्टम है, तंत्र है, तब हमको लैम्डा W मैक्सिमा मिलता है, और उसकी वैल्यू आयतन में तो ये हो जाएगी, और अगर हमारे पास प्रेशर है तो ये हो जाएगी। अब इन दोनों केसेस को अगर हम कंपेयर करें कि भाई हमारा जो वर्क डन है वो किस में ज़्यादा होगा, उत्क्रमणीय प्रोसेस में या इररिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय प्रोसेस में। तो बच्चों पहले हम अगर इररिवर्सिबल सिस्टम को देखें, जिसमें कि हम मान रहे हैं सपोज हमारे पास शुरू में जो बाहर से प्रेशर है वो 10 एटमॉस्फेयर है, और जब वो कम हो गया एकदम हमने उसमें काफ़ी परिवर्तन कर दिया, हम उसको 1 एटमॉस्फेयर पे ले आए, तो हमारा जो शुरू में P1 है वो तो ये है, और बाद में जब हमारा पूरा गैस जो है वो प्रसार हो गई और हमारा प्रेशर लास्ट में कम हो गया तो हमारी P2V2 रीडिंग आ गई। तो हमारा जो यहाँ पर वॉल्यूम है वो V1 है, यहाँ पर वॉल्यूम V2 है, यहाँ पर जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो 10 एटमॉस्फेयर है। तो शुरू में जब आपका गैस के ऊपर जब बैलेंस फोर्स था, बैलेंस प्रेशर था, तो हमारा 10 एटमॉस्फेयर था, और जब गैस प्रसारण हुआ तो हमारा जो है प्रेशर कम हो गया और वो 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंच गया। तो ये हमारा इररिवर्सिबल वाला केस है। अब यहाँ पर जो हमारा वर्क डन है वो जो शेडेड एरिया है ये हमारा वर्क डन हमको पता चल रहा है, पर इसी प्रोसेस को अगर हम रिवर्सिबल की तरह देखें, जिसमें कि हम जो टोटल हमारा जो बाहर से फोर्स या प्रेशर लग रहा है उसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में कम किया, तो वहाँ पर हमारा जब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वही शुरू में आपका P1 है, लास्ट में वो P2 हो गया। तो यहाँ पे आपका ये P1 10 एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पर आपका ये वॉल्यूम नीचे है, यहाँ पर प्रेशर है। तो इस तरह से जो है आयतन में परिवर्तन होगा, और इस तरफ से जो आपका प्रेशर में परिवर्तन होगा। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये आपका जो है वर्क डन दिखा रहा है। इसका मतलब रिवर्सिबल केस में हमको जो है मैक्सिमम कार्य मिलता है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर को रिड्यूस करते हैं तो हमको सबसे अधिक कार्य जो है तंत्र को वो करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्पष्ट है कि अधिकतम प्रसार कार्य तब ही संभव है जबकि प्रतिरोधी दाब का मान गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम रहे। PA = P - dP। यह स्थिति हमें पता है कि उत्क्रमणीय प्रसार को प्रदर्शित करती है। इसलिए बच्चों हम वापस से आपको बता दें कि मैक्सिमम वर्क कब मिला हमको, जब हमारा रिवर्सिबल केस था, और कम हुआ किस में, इररिवर्सिबल।